हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। ये एसिड बेस और साल्ट का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट पढ़ेंगे। तो कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड इज अ रेफर्ड टू एज अ कॉमन साल्ट बिकॉज इट्स यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कुकिंग। इट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। मतलब जो हम लोग का कॉमन सॉल्ट है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत सारा डेली यूज का प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ऐसा बहुत सारा चीज़ हम लोग सिर्फ NaCl से ही बना सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और ये NCERT में भी है। अब जब आप लोग बुक रीडिंग डालेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें जब NaCl जो होता है, NaCl क्लोर एल्कली इसको प्रोसेस कहते हैं। क्लोरो और एल्कली, इसमें NaOH प्रोड्यूस होता है, इसीलिए एल्कली। NaOH बेस है, जो बेस सॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्कली। तो एल्कली और क्लोरो Cl, तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस, इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है ये देखा जाए। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है जो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं। तो जब NaCl जब वाटर में सॉल्यूबल होता है, हम लोग जानते हैं वाटर में सॉल्यूबल होता है कॉमन साल्ट, तो ये जब वाटर में सॉल्यूबल होता है और कॉन्सनट्रेटेड होता है तो इसको ब्राइन कहते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राइन। तो लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड ब्राइन, इट्स डिकम्पोजेज एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। जिसमें ये डिकम्पोज होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में बन जाता है और क्लोरीन निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म आर क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और एल्कली, द रिएक्शन इज गिवन बाई NaCl प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव्स अस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेसन में। ब्लीचिंग पाउडर, इट इज प्रोड्यूस बाई द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइन Ca into OH का होल ट्वाइस। जब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब सिलेक्ट लाइन जो है Ca into OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जब क्लोरीन पास किया जाता है, जो NaCl को हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो यहाँ पे जो क्लोरीन फॉर्म हुआ, यहाँ पे जो क्लोरीन फॉर्म हुआ ये NaCl से ही निकल रहा है। सब धीरे धीरे आगे प्रोसेस इसका बढ़ते जा रहा है। तो जो यहाँ से क्लोरीन निकला हुआ किस लिए यूज हुआ, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 जो क्लोरीन निकला वहाँ से, उसको लाया गया, रिएक्शन करवाया गया, तो CaO Cl2 प्लस H2O निकला, जो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaO Cl2। ये सब फार्मूला याद रखना होगा आप लोगों को, पढ़ते पढ़ते ऐसे याद हो जाएगा। अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा CaO Cl2, ये सब बेकिंग सोडा, NaCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बोल दिया कोई स्लेक्ट लेम का फार्मूला लिखो तो आप लोगों को याद ही नहीं होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो स्लेक्ट लेम होता है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे। इसीलिए ये सब फार्मूला याद रखना होगा। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज है क्योंकि जब ये सिलेक्ट लैम्प से पास हुआ क्लोरीन गैस तो बन गया ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका यूजेज क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग जानते हैं क्लॉथ को ब्लीच करने में मदद करता है, फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, और पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, ताकि जो पेज है वो पूरा सफ़ेद हो जाए।
एस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। और ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है। हम जानते हैं द सब्सटेंस विच इटसेल्फ गेट रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइजिंग अदर्स इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये तो अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे देता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। और इसको ड्रिंकिंग वाटर में डाल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ताकि जर्म्स से फ्री हो सके ड्रिंकिंग वाटर। अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है। द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेकिंग सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा इज केमिकल हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एस वन ऑफ अ रॉ मटेरियल। जो NaCl को जब हम लोगों ने तोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो उसमें से क्या निकला, NaOH Cl2 H2O H2 निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। तो हम लोग NaOH का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका वन ऑफ द रॉ मटेरियल होता है। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 दैट इज एमोनियम, एमोनिया है ये, NH3 फॉर्मूला होता है, गिव्स अस NH4Cl प्लस NaHCO3। जब यही साल्ट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, देखिए केमिकल फ्रॉम साल्ट, ये वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ा, हेडिंग क्या पढ़ा था, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। तो यहीं पे कॉमन साल्ट से केमिकल फॉर्म हो रहा है, ये बेकिंग सोडा हो गया, NaHCO3, बहुत सारा इससे केमिकल आगे भी और पढ़ेंगे हम लोग, तो इसी से फॉर्म हो रहा है सब। तो इसका इस सब का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, NaCl प्लस H2CO2 NH3 अमोनिया जब हुआ तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे निकला और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और Na2CO3 होता है तो सोडियम कार्बोनेट होता है, जब इसमें हाइड्रोजन हटेगा तो 2 लग जाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। और जब यही सोडियम हाइड्रोक्साइड कुकिंग में इस्तेमाल होता है, जब हम लोग केक बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे केक फूल जाता है, जो CO2 रिलीज होता है वो केक को फुला देता है ऐसे, तो इसी का इस्तेमाल होता है केक बनाने के लिए, केक को जो फ्लफी लुक मिलता है वो इसी के चलते मिलता है, बेकिंग सोडा के चलते। तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब ये हीट होता है, डिकम्पोजिशन यहाँ पे भी हो रहा है, डिकम्पोजिशन थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन, आप हमको हमेशा याद दिलाते रह रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगा, थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्योंकि हीट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ये CO2 रिलीज हो गया और सोडियम कार्बोनेट, हमने कहा ना NaHCO3 होता है, जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड इडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द रिएक्शन इज, जब इसका बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज होता है, तो बेकिंग पाउडर हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द रिएक्शन इज NaH प्लस CO3 फ्रॉम एनी एसिड। कोई भी एसिड ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इडिबल एसिड, यहाँ पे लिखा है ना टार्टरिक एसिड, कोई भी एसिड, क्योंकि एसिड रिलीज H प्लस आए इसलिए मैंने सिर्फ H प्लस लिखा है। तो कोई भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो CO2 H2O और सोडियम ऑफ साल्ट ऑफ एसिड फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है NaCO3 बेकिंग सोडा जब HCl से रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, वहाँ लिखा है वीक एसिड या माइल्ड एसिड, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा तो NaCl H2O और CO2 फॉर्म होगा। CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर राइजिंग ऑफ ब्रेड, यहीं पे लिखा हुआ है ब्रेड के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एंटासिड एंड सोडा एसिड फायर
एक्सटिंग्विशर। और ये सोडा एसिड फायर इंट्रोड्यूसर में इस्तेमाल होता है। जो फायर इंट्रोड्यूसर होता है वो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन और CO2 में, CO2 भारी होता है, इसीलिए CO2 जो है वो, ये मान लीजिए आग यहाँ पे जल रहा है, आग लग गया जो फायर इंट्रोड्यूसर में यूज होता है, तो जब ये CO2 रिलीज होता है ना, तो जब इस पर डाला जाएगा जब बेकिंग सोडा, तो ये आग पे जाएगा तो हीट इसको मिलेगा, तो ये CO2 रिलीज करेगा जिससे ऑक्सीजन का कनेक्शन कट हो जाएगा, क्योंकि CO2 भारी होता है ऑक्सीजन से, नीचे रहता है, इसीलिए ऑक्सीजन का कनेक्शन कट हो जाएगा और आग बुझ जाएगा। सोडा एसिड फायर इंट्रोड्यूसर में इसीलिए इसको यूज करते हैं। वाशिंग सोडा, द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहेड्रेट। डेकाहेड्रेट मतलब, ऐसे हम लोग पढ़ा है कि डेका मतलब डेकागोन, हेक्टागोन, पॉलिनोमियल, ये सब पढ़ा है ना हमने, ट्राई एंगल, ऐसे ही डेका मतलब 10 होता है, हेक्सा मतलब 5 होता है, ये सब ऐसे होता है ना मैथ में, उसी से ये सब नेम आया है। द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3×10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहेड्रेट। सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो सोडियम कार्बोनेट है वो NaHCO3, इसको जब हीट किया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, Na2CO3 फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है Na2CO3, इसी को वाशिंग सोडा कहते हैं Na2CO3। तो प्रोड्यूस वाइल रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऐसा Na2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और फिर जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा सोडियम कार्बोनेट का, गिव्स वाशिंग सोडा। और जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा मतलब इसमें जब पानी ऐड होगा तो इससे सोडियम वाशिंग सोडा बन जाएगा। यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा, इसका यूज क्या है, सबसे पहले मैंने ये नहीं बताया, जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब इसके साथ जब ये पानी में जाएगा तो Na2 ये वाशिंग सोडा बनता है। इसको वाशिंग सोडा नहीं कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा नहीं कहेंगे, जब इसके साथ 10H2O जुट जाएगा तब वाशिंग सोडा कहेंगे। मतलब ऐसे समझिए, जब वाशिंग सोडा मतलब क्या, धोने का, तो धोने का पानी चाहिए इसके लिए, तो ऐसे समझ सकते हैं वाशिंग मतलब पानी चाहिए, Na2CO3 बस। सो यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा, यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एस बोरेक्स, कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, जैसे हार्ड वाटर का फार्मूला पता नहीं होगा आपको, हार्ड वाटर का फार्मूला होता है D2O, कुछ ऐसे ही होता है D2O करके हार्ड वाटर का फार्मूला, तो इसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने में भी मदद करता है। कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, क्लीनिंग एजेंट में भी यूज होता है, वाशिंग सोडा है, नाम ही है वाशिंग सोडा। अब POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसका बहुत कोई आपसे सवाल पूछता होगा, इसका नाम PO प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये पेरिस के शहर में जब जो घर होता था पेरिस में, इसको जो घर होता था उसको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए लिखा गया कि इसी का CaSO4×0.5H2O का ही इस्तेमाल होता था प्लास्टर करने के लिए, घर को प्लास्टर करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता था, घर को प्लास्टर करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता था POP का पेरिस में, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा है। द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ
हाफ हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो हेमी हाइड्रेट जैसे इसमें है डेका हाइड्रेट मतलब जस्ट वाटर मॉलिक्यूल, इसमें हेमी हाइड्रेट मतलब हाफ मॉलिक्यूल। ऐसे हाफ मॉलिक्यूल होता नहीं है वाटर का, मतलब आप ये समझ सकते हैं जो ये हाफ है, जब हम लोग CaSO4 into हाफ H2O लिखा हुआ है ना, इसको आप ये भी लिख सकते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ये 2 इधर चल जाएगा, तो 2CaSO4 into H2O, दो ठो CaSO4 का कंपाउंड एक ठो H2O से रिएक्ट करता है तब ये CaSO4 into हाफ H2O बनता है, क्योंकि क्योंकि एक ठो केमिकल नेम पे हाफ ही वाटर मॉलिक्यूल ना आया, क्योंकि दो ठो ना CaSO4 एक ठो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट पड़ा है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए है क्योंकि पेरिस में प्लास्टर में यूज होता था बाद में इसका। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग जिप्सम एट अ 373 केल्विन, इट अब केल्विन को आप सेल्सियस में आप कन्वर्ट कीजिएगा, 373 केल्विन को आप कमेंट बॉक्स में सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताइएगा कितना होता है। इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और ये जब हीट किया जाएगा जिप्सम को तो ये है वाटर मॉलिक्यूल जिप्सम रिड्यूस कर देगा और लूज कर देगा और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, CaSO कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। द रिएक्शन इज, इसका रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 373 होता है ना, तो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 से माइनस कर दिया जाता है, 273 माइनस किया जाता है, और अगर सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो 273 प्लस कर दिया जाता है, 273 ऐसे याद कर सकते हैं, 373 है ना उसमें से 273 माइनस होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O, जिसको अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूज्ड बाय डॉक्टर एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन व्हेन इट इज मिक्स विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन एंड गिविंग सॉलिड हार्ड मास। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसी के लिए ये मशहूर ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 into हाफ H2O प्लस 3/2 गिव्स अस CaSO4 into 2H2O, यूज्ड फॉर मेकिंग ट्वाइज मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सर्फेसिस स्मूथ। आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग दीवार में जो पुट्टी होता है ना उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही होता है जहाँ तक मेरे को पता है, अब कोई गलत भी हो सकता है लेकिन हमको जहाँ तक पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मेनी साल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड साल्ट, द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन साल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब यहाँ पे अभी हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मैंने वाशिंग सोडा में, यहाँ पे मैंने लिखा है रिक्रिस्टलाइजेशन, यहाँ रिक्रिस्टलाइजेशन लिखा है ना, तो यही है जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जब इसमें वाटर जुड़ गया तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया और कुछ नहीं बस, तो यही वहाँ पे बोला गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट, जैसे ब्लू विट्रोल है, ग्रीन विट्रोल है, वाइट विट्रोल है, जिप्सम है, इसमें ब्लू विट्रोल में CuSO4 into 5H2O, ग्रीन विट्रोल में FeSO4 into 7H2O और वाइट विट्रोल में JnSO4 into 7H2O होता है और जिप्सम में CaSO4 into 2H2O, ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और इसी के साथ हम लोग का एसिड बेस और चैप्टर ख़त्म होता है, शुक्रिया। और इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है लेकर नोट्स ले सकते हैं, शुक्रिया, गुड बाय एंड हैप्पी नवरात्रि।